हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो तक बहुत सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने ओवरव्यू समझा था, प्रोजेक्ट सेटअप समझा था, डेटाबेस सेटअप समझा था, और हम लोगों ने 3 पेजेस की डिज़ाइनिंग किया था। डिज़ाइनिंग होम पेज किया था, लॉगिन पेज किया था, और रजिस्टर पेज का हम लोगों ने डिज़ाइनिंग किया था। तो अगर अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया तो जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसमें सारी डिटेल है सर्वलेट जीएसपी, और उसके साथ हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को समझ लीजिए, ये बार बार देख लीजिए, फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, जिससे कि आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट बना पाओगे, अदरवाइज आप प्रोजेक्ट को बना नहीं पाओगे। तो हम लोग आज अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, और हम वो सारी बेस्ट टेक्निक फॉलो करेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में फॉलो होता है। हमारे जो फ्रेंड्स बाहर की कंपनियों में हैं वो फॉलो करते हैं, वही सारी टेक्निक्स हम लोग क्या करेंगे आज फॉलो करेंगे। देखेंगे एक बेस्ट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाएंगे नेटबीन्स पे और अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, रन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा टेक ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट है, इस टेक ब्लॉक पे राइट क्लिक करेंगे और सिंपली इसको रन कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक आप वेट करिए, कॉफ़ी ऑफी पीजिए, तब तक ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और प्रोजेक्ट रन होने के बाद ब्राउजर से ये प्रोजेक्ट ओपन भी हो जाएगा, तो आपको ओपन मैन्युअली नहीं करना है। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, और तब तक मैं क्या करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सर्वलेट की कुछ वीडियोज़ हैं, इनको देख लीजिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो और भी प्लेलिस्ट रिलेटेड तो आप JDBC देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि JDBC इंपॉर्टेंट है, आप डेटाबेस से काम करोगे। अभी इसी वीडियो में हम लोग को JDBC की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर यहाँ पे आप पाइथन की वीडियो देखना चाहते हो तो पाइथन की वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ देखिए हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो गया। तो फाइनली शायद ये थोड़ा सा जूम है, तो हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं 100% पे। ये हम लोगों ने पेज बनाया था, तो आज हमें क्या करना है, ये साइन अप पेज पूरा कंप्लीट करना है। ये तो साइन अप पेज के लिए हमारे पास कुछ फील्ड्स मैंने डिसाइड किया था। साइन अप पेज के लिए मैं यूज़र का नाम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, पासवर्ड ले रहा हूँ, जेंडर ले रहा हूँ, और समथिंग अबाउट यूज़र एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 टोटल 5 फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, चले काम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको सबमिट करेंगे तो डेटा सर्वलेट पे जाएगा, और सर्वलेट से डेटा हम लोग डेटाबेस में रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपने डेटाबेस पे। तो हम ओपन करेंगे अपना डेटाबेस और बनाएंगे टेबल, ठीक है। तो मेरे पास डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए SQL योग है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। और हम लोग डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे थे एक डेटाबेस, मैं यहाँ पर अगर आप ओपन करो com.tech.blog.helper, तो इसमें मैंने बनाई थी कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास, और कनेक्शन प्रोवाइडर में हम लोगों ने डेटा सेटअप किया था टेक ब्लॉक, ठीक है। तो टेक ब्लॉक इसका मतलब हम लोग एक डेटाबेस अपने डेटाबेस का यूज़ कर रहे थे जिसका नाम था टेक ब्लॉक। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था टेक ब्लॉक और उसको कॉन्फिगर किया था इस टेक ब्लॉक से। दैट मीन्स हम अगर यहाँ टेबल बनाएं तभी हम इस अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो अगर आपने इस क्लास को नहीं समझा है तो मैंने क्या किया था, मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ अपने सर्वलेट वाली प्लेलिस्ट में, जिसमें हम लोगों ने डेटाबेस सेटअप किया था। ये वीडियो डेटाबेस सेटअप, इसमें मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास बनाया था। कौन सा क्लास बनाया था, ये वाला क्लास बनाया था, और मैंने समझाया था। तो मेक श्योर आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। तो हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे और इसमें बनाते हैं टेबल। तो देखिए टेबल्स पे राइट क्लिक करेंगे, सिंपली क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का नाम देंगे यूज़र्स, या यूज़र भी देख सकते हो, तो मैं सिंपली यूज़र दे रहा हूँ। और कॉलम बनाएंगे तो सबसे पहला कॉलम होगा यूज़र आईडी, या आप सिर्फ आईडी भी ले सकते हो, तो मैं सिंपली आईडी ले रहा हूँ। डेटा टाइप होगा इंटीजर और लेंथ इसका डिसाइड कर लेते हैं 20, और डिफ़ॉल्ट नन हम कुछ डिफ़ॉल्ट में नहीं देंगे, प्राइमरी की बना देंगे, नॉट नल कर देंगे। तो जैसे ही आप प्राइमरी की बनाओगे ये अपने आप नॉट नल हो जाएगा, और सिंपली मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू अपने आप से बढ़ती रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा नेम, यूज़र का नाम स्टोर करने के लिए, और वेयर कर लूँगा, और लेंथ 500 ये मैक्सिमम लेंथ है, इससे ज़्यादा नेम की लेंथ नहीं हो सकती है। और नॉट नल इन द सेंस कि इस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो पाएगी। उसके बाद नेम को स्टोर करने के लिए डेटा हो गया, फिर उसके बाद क्या आपको ईमेल स्टोर करने के लिए लेना है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा ईमेल, और हम ले लेंगे वेरकेयर, और यहाँ पे हम लोग इसका भी ईमेल भी हम 500 कर देंगे, और ये भी नॉट नल कर देंगे। ईमेल के बाद हम लोग लेंगे पासवर्ड सिंपली, तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड एक फील्ड ले लेंगे, और यहाँ भी वेरकेयर लिख देंगे इसका टाइप, और उसके बाद पासवर्ड हम बोल देंगे ये भी 500
मैक्सिमम लेंथ इसकी होगी और ये भी नॉट नल होगा। उसके बाद जेंडर की वैल्यू लेंगे, जेंडर का कॉलम ले लेंगे तो हम जेंडर ले लेंगे और यहाँ भी हम वैर का ले लेंगे और उसके बाद जेंडर में हम 10 लेंगे क्योंकि मुझे सिंपली मेल एंड फीमेल स्टोर करना है, इट इज़ ये भी नॉट नल होगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट चीज़ अबाउट, अबाउट या फिर स्टेटस, तो हम लिखते हैं अबाउट और ये हम ले लेंगे लॉन्ग टेक्स्ट या वायर कर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। और इसको लिख देते हैं 1000, 1000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट ये नल हो सकता है, ठीक है, नल हो सकता है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इसको एक प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं दूंगा हे यूजिंग टेक ब्लॉक, टेक ब्लॉक हे, और यहाँ आप लिख देंगे आई एम यूजिंग, ठीक है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में होगी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट लगा दूंगा और एंड भी क्या कर दूंगा, सिंगल कोट से कर दूंगा, सिंपली परफेक्ट। अब आप क्या करिए, इसको क्रिएट कर दीजिए, ये आप क्या करिए, यहाँ पे एक और ले लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट, तो आप ले लीजिए रेज अंडरस्कोर डेट, या आप सिंपली लीजिए, डेट मत दीजिए कॉलम क्योंकि डेट एक कीवर्ड है ऑलरेडी MySQL में, तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे ले लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट या आर डेट, आर डेट, और इसका जो टाइप ले लीजिएगा, ये टाइप ले लीजिए, सॉरी ये टाइप ले लीजिए टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे आप इस डिफ़ॉल्ट में डाल दीजिए नाउ, नाउ नाउ का मतलब होता है कि करंट, ये करंट डेट टाइम ले लेगा, जैसे रो इंसर्ट होगी ये सिस्टम से करंट डेट टाइम उठा लेगा। आप सिंपली करिए सेव कर दीजिए, जैसे आप सेव करोगे तो आपकी टेबल देखिए, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू क्रिएट मोर टेबल्स, तो आप नो कर दीजिए, ठीक है, आप इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए टेबल्स के अंदर यूज़र नाम की टेबल आ गई, आप राइट क्लिक करिए और इसको, इस टेबल को ओपन कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे सिंपल आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, अबाउट, आर डेट, यहाँ पे टेबल आ गई और इसके सारे कॉलम्स आ गए, बट इसमें कोई डेटा अभी नहीं है। डेटा हम लोग डालेंगे कहाँ से, डेटा डालेंगे हम लोग अपने इस प्रोग्राम के थ्रू, दैट मीन्स यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने एक पैकेज बनाया था, अगर आप लोग को याद हो, जिसका नाम था com.tech.block.entities, और हमने आपको बताया भी था कि इस एंटिटीज़ में वो सारी क्लासेस रहेंगी जो रिप्रेजेंट करेंगी आपको, आपके प्रोजेक्ट की एक एंटिटी को, अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसके अंदर वो सारी क्लासेस रहेंगी जो वहाँ की टेबल को रिप्रेजेंट करेंगी, दैट मीन्स वहाँ टेबल का एक रो और यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो सिंपली हम लोगों ने एक टेबल बनाया है, जितनी टेबल आप बनाओगे उतनी क्लास बनाओगे इस एंटिटीज़ में। तो सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ न्यू जावा की क्लास और यहाँ पे हम डाल देते हैं दिस इज़ अ यूज़र, ठीक है, यूज़र, और हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर वो सारी फील्ड्स लिख देंगे जो सारी फील्ड्स आपने वहाँ पे डिक्लेयर की हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिक्लेयर किया है सबसे पहले प्राइवेट इंटीजर आईडी, नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल एंड नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड एंड नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर। तो जितनी फील्ड्स आपने वहाँ बनाई थी वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है एंड नेक्स्ट प्राइवेट टाइम स्टैम्प java.sql.timestamp, तो कंट्रोल स्पेस दबाइए, नेटबीन्स आपकी हेल्प कर देगा। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए इंपोर्ट java.sql.asterisk और सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लीजिए टाइम स्टैम्प और डेट टाइम सिंपली। तो यहाँ पे देखिए वो सारी फील्ड, यहाँ पे 6 लिया था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 था, 7 था, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ क्या था भाई, ये 1 2 4 5 6 7, तो एक मिस हो रहा है, अबाउट मिस हो रहा है शायद, तो आप एक और अबाउट के लिए भी ले लीजिए स्ट्रिंग अबाउट सिंपली। दैट मीन्स वहाँ का एक रो जो होगा इस यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा सेट करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करिए सिंपली और यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट कंस्ट्रक्टर और आप सारे सेलेक्ट ऑल पे कर दीजिए, जनरेट कर दीजिए, तो सिंपली ये कंस्ट्रक्टर बना देगा आईडी, नेम, ये सारी चीज़। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मुझे आईडी या बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। आप क्या करिए, एक और कंस्ट्रक्टर बना लीजिए ऑल्ट इंसर्ट और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, क्या पता आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़े तो आप डिफ़ॉल्ट बना लीजिए और एक और कंस्ट्रक्टर आप सिंपली बना लीजिए इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें सेलेक्ट ऑल तो करिए बट आईडी को छोड़ दीजिए, आईडी को छोड़ दिए और जनरेट कर दिए सिंपली, ठीक है। तो मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाया डेटा को सेट करने के लिए। तो जब भी मुझे ऑब्जेक्ट का डेटा सेट करना होगा उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, या तो हम यूज़र
वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें और सारा डेटा पास कर दें, या तो सिंपली हम यूज़र का डेटा, यूज़र वाला ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें और एक भी डेटा ना पास करें, या हम यूज़र वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं जिसमें आईडी को छोड़ करके सारा डेटा पास कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बन गया। उसके बाद अगर आपको गेट करनी होगी वैल्यूज़, तो आप क्योंकि वेरिएबल सारे प्राइवेट हैं तो गेट करनी होगी वैल्यूज़ तो आपको गेटर सेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए गेटर्स एंड सेटर्स, सेटर्स सिंपली, और हम क्या करते हैं ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर है सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और जनरेट कर दीजिए, ठीक है। तो सारे गेटर सेटर जनरेट हो जाएंगे, आपको एकदम एक भी लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, आपको एक बार समझा देता हूँ कि गेटर सेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। तो लेट सपोज आपको आपको जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो आप एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, सिंपली एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस ऑब्जेक्ट में डेटा सेट करने के लिए अगर मान लो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें आईडी है, अब ऑब्जेक्ट में आईडी को अपडेट करना है तो अपडेट कैसे करोगे, क्योंकि आईडी तो प्राइवेट है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर भी नहीं सकते हो, आईडी प्राइवेट है इस केस में। तो आपको क्या करना होगा, सेट आईडी कॉल करना होगा, इसमें से एक मेथड है देखिए सेट आईडी, और आपको आईडी दे देना होगा, वो आईडी अपडेट हो जाएगी जाएगी। अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट पे गेट आईडी कॉल कर लेंगे। दैट मीन्स एक बार ऑब्जेक्ट बन गया उस पे डेटा सेट करने के लिए सेटर्स, ये सारे सेट आईडी, सेट नेम, सेट ईमेल, और वहाँ से डेटा गेट करने के लिए गेट आईडी, गेट नेम, गेटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट था, दैट मीन्स अब हमारा काम हो गया। और मैं क्या करता हूँ सिंपली, ये तो परफेक्ट है, काम हो गया, यूज़र अब इसको बंद कर दीजिए। तो एक डेटा टाइप आ गया आपके पास, कभी भी आपको यूज़र स्टोर करना होगा तो इसी यूज़र वाले वेरिएबल, इसी वाले यूज़र के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। तो सिंपली कभी भी आपके प्रोजेक्ट में यूज़र डेटा स्टोर करना होगा तो यूज़र टाइप का आप वेरिएबल बना लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ सिंपली, ध्यान से देखिएगा सब लोग, मैं क्या करता हूँ डाओ में क्लास बनाता हूँ। तो देखिए कॉम डॉट टेक डॉट ब्लॉग डॉट डाओ, राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूँ और जावा क्लास क्लिक करता हूँ। इस क्लास का सिंपली मतलब है देखिए यूज़र डाओ, इस क्लास का नाम है यूज़र डाओ, और इस क्लास के पास ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होंगी जो जो क्या कर रहा होगा, जो क्या कर रही होंगी, सारी डेटाबेस से इंटरेक्ट करनी रहेंगी। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इस डाओ के पास कोई ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो डेटाबेस में वैल्यूज़ को डाल रहा होगा, इंसर्ट कर रहा होगा। सिंपली मैं अभी आपको सारी चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं क्लास। तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल की सारी क्लासेस इम्पोर्ट कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा प्राइवेट और कनेक्शन, क्योंकि इस वाले क्लास को कनेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो कनेक्शन लूँगा और सिंपली मैं इस कनेक्शन को इनिशियलाइज़ कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आप ऑल्ट इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पे, ऑल्ट इंसर्ट और कंस्ट्रक्टर पे जाइए और चेक कर दीजिए इसको और जनरेट कर दीजिए। सिंपली कंस्ट्रक्टर बन गया, दैट मीन्स इस क्लास को यूज़ करना है आपको तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब भी आप कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाओ, इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस समय आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तभी आप इस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और कोई तरीका नहीं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो परफेक्ट, हमारे पास यहाँ कनेक्शन कॉन में वैल्यू आ जाएगी, इस कॉन को हम नीचे यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, दैट मीन्स एक मेथड बनाएंगे टू इंसर्ट यूज़र टू डेटाबेस, ठीक है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे पब्लिक और लिखेंगे वॉइड, और इसका नाम दे देंगे इंसर्ट या सेव यूज़र, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा, यूज़र को सेव कर रहा होगा। बट ध्यान से देखिए यूज़र की डिटेल आएंगी कहाँ से, मतलब कौन से यूज़र को सेव कर रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप इसको कॉल करोगे तो एक यूज़र पास करोगे, क्योंकि अभी आपने तो यूज़र बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूज़र पास करेंगे, और यूज़र आप कौन सा पास करेंगे, देखिए आप यूज़र पास करेंगे ये देखिए कॉम डॉट टेक डॉट ब्लॉग डॉट डाओ, इसका वाला, ठीक है। और हम क्या करेंगे सिंपली देखिए, एक सेकेंड, यूज़र आप पास करोगे अपना कॉम डॉट टेक डॉट ब्लॉग डॉट, ठीक है। कौन सा यूज़र भाई, ये एंटिटीज़ वाला, ये वाला यूज़र पास करोगे, सिंपल यूज़र, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेव यूज़र, तो मैं इसको एक यूज़र का ऑब्जेक्ट दूंगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस यूज़र के पास जितनी आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, वो सबको उठा के डेटाबेस में डाल देगा। तो कैसे डालेगा, सिंपली आप लगा दीजिए ट्राई कैच, और यहाँ आने वाली एक्सेप्शन, तो लगा दीजिए एक्सेप्शन ई, और ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस, सिंपली। अब आपको कोडिंग करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कोड लिखना है जिससे यूज़र पहुँच जाए कहाँ पे भाई, डेटाबेस में पहुँच जाए। कौन सा यूज़र, ये यूज़र जो ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। तो डेटाबेस में पहुँचाने के लिए ये जो मेथड है वो हेल्प लेगा इस कनेक्शन की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी बना लूँगा। तो सिंपली आप क्या करिए, स्ट्रिंग
क्वेरी इज इक्वल टू सिंपली लिखें इंसर्ट इनटू अपनी टेबल का नाम और कॉलम्स, फिर वैल्यूज और फिर उनकी वैल्यूज, ठीक है। तो बस आप देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप सीखते जाइए। यहाँ पे आपको देने कॉलम्स, तो आईडी आपको इग्नोर करनी है। कौन सी आईडी आपको इग्नोर करनी है? ये वाली आईडी आपको इग्नोर करनी है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पे आईडी वाला कॉलम छोड़ दिए, नेम वाला कॉलम लीजिए, कॉमा ईमेल वाला कॉलम लीजिए, स्पेलिंग बस ध्यान से देखिएगा, पासवर्ड वाला कॉलम लीजिए, कॉमा, पासवर्ड के बाद सिंपली जेंडर वाला कॉलम लीजिए, और आपके पास और भी कॉलम्स हैं तो लिख दीजिए। मेरे पास एक अबाउट वाला कॉलम है, और टाइम स्टैम्प छोड़ दीजिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट टाइम स्टैम्प ले लेगा। तो हमें चाहिए था 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स, परफेक्ट। वैल्यूज़ आपको सिंपली नहीं पता तो आप सेमी कॉलम, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। 1 ये नेम के लिए था, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वाला ये इसके लिए है, और उसके बाद हमारा है ईमेल के लिए, ईमेल के लिए कॉमा, पासवर्ड के लिए कॉमा, जेंडर के लिए कॉमा, अबाउट के लिए, सिंपली। दैट मीन्स हमारी क्वेरी बंद हो गई, बट ये क्वेरी भी इनकम्प्लीट है। ये क्वेरी कंप्लीट तब होगी जब आप यहाँ पे डालोगे क्या, वैल्यूज़ डालोगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे हमारी वीडियोस में जाके JDBC वाले ट्यूटोरियल देखेंगे, JDBC में मैंने एक एक चीज़ समझाया हुआ है परफेक्टली। तो आप JDBC का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उठा लीजिए। आप क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो आप क्या करिए, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट गेट कर लीजिए कॉन की हेल्प से, और कॉन कहाँ मिलेगा भाई, ये वाला कॉन, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, लिखिए दिस डॉट कॉन, आपको कॉन मिल जाएगा। उसके बाद लिखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, और प्रिपेयर स्टेटमेंट में आप अपनी क्वेरी पास कर दीजिए। तो हमने कहेंगे भाई क्वेरी, तो आप क्वेरी पास कर दीजिए, ये आपको दे देगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट PSTMT, परफेक्ट। अब इस PSTMT की हेल्प से, क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट क्वेरी है, तो आप क्या करेंगे PSTMT की हेल्प से इन सब वैल्यूज़, इन सब क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप नेम डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बस आप देखते रहिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा PSTMT.set, और नेम किस टाइप का था, स्ट्रिंग, तो आप लिखोगे यहाँ सेट स्ट्रिंग। पहला क्वेश्चन मार्क इस पे जाएगा यूज़र का नाम, जो नाम इसमें रखा हुआ है, तो आप लिखेंगे यूज़र डॉट, और इसका गेटर मेथड यूज़ करिए, तो गेट नेम, सिंपली यूज़र का नाम आ गया। फिर दूसरे क्वेश्चन मार्क पे आपको ईमेल लिखना है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए दूसरे क्वेश्चन मार्क पे ईमेल के लिए आप PSTMT.set स्ट्रिंग, और आप यहाँ पास करिए सेकेंड, और यहाँ पर पास कर दीजिए यूज़र का ईमेल, तो यूज़र डॉट गेट ईमेल, परफेक्ट। आप तीसरे क्वेश्चन मार्क पे आपको पास करना है पासवर्ड, तो आप यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए 3। उसके बाद चौथे क्वेश्चन मार्क पे आपको क्या पास करना है भाई, जेंडर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए यूज़र डॉट गेट जेंडर। तो आप थोड़ा सा सजेशन लीजिएगा किससे, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, चौथे क्वेश्चन मार्क पे जेंडर था, तो हम लिख देंगे गेट जेंडर, और फिर पाँचवें क्वेश्चन मार्क पे था हमारा अबाउट, तो हम लिख देंगे PSTMT.set स्ट्रिंग, और फिफ्थ क्वेश्चन मार्क पे हम लिख देंगे यूज़र डॉट गेट अबाउट, ठीक है। तो हमारी क्वेरी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी, इस केस में क्या करिए, आप सिंपली यहाँ पे PSTMT.execute update, और आप यहाँ पे अपडेट को क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो आपकी क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब आपको क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा, जहाँ से आप कॉल कर रहे थे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बुलियन की वैल्यू लूँगा f, और बाय डिफॉल्ट मैं मान लूँगा इसको फॉल्स, दैट मीन्स अभी तक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को ट्रू कर दूँगा सिंपली। इसका मतलब है कि भाई अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो f की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, void को चेंज करूँगा बुलियन से, और मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे रिटर्न f। दैट मीन्स अगर इस मेथड ने, और इसको थोड़ा ऊपर ही कर देते हैं ट्राई ब्लॉक के, अदरवाइज ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा। इसका मतलब सिंपली जब आप सेव यूज़र कॉल करोगे और यूज़र का ऑब्जेक्ट पास करोगे यहाँ पे, अगर इस मेथड ने ट्रू रिटर्न कर दिया यहाँ से, इसका मतलब आपकी क्वेरी फायर हो चुकी है, और ये डेटा सारा यूज़र का जो भी आपने डेटा पास किया था वो डेटाबेस में पहुँच चुका है। लेकिन अगर इसने f की वैल्यू फॉल्स दे दी, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है और हमारा डेटा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया सिंपली, और आपका काम हो जाएगा इफ ट्रू आएगा तो। तो एक मेथड हमने बना दिया सेव यूज़र, इसी मेथड का यूज़ करेंगे हम कहाँ पे, आपने सर्वलेट के अंदर। तो सिंपली देखिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाया है, इसीलिए मैंने अलग अलग सर्वलेट्स बनाया था। मैंने क्या किया था, एंटिटीज़ के लिए यूज़र बनाया है, इसमें मैंने एक यूज़र बना लिया है,
उसके बाद मैंने डेटा यूज़र को डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए मैंने एक डाओ बनाया है। इस डाओ को मैंने सिंपली यूज़र का ऑब्जेक्ट दे दिया है और ये क्या कर रहा होगा, ये डेटाबेस तक सारी वैल्यूज़ को पहुंचा देगा। अब बात करते हैं सर्वलेट्स की। तो भाई आते हैं और सर्वलेट में बनाते हैं एक रजिस्टर सर्वलेट या साइन अप सर्वलेट, ठीक है। तो सर्वलेट में राइट क्लिक करिए न्यू सिंपली और यहाँ पे सर्वलेट पे क्लिक कर दिए और सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। तो हम लिख देंगे, देखिए रजिस्टर सर्वलेट, नेक्स्ट, और आप ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। परफेक्ट, यहाँ पे सारा आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। डेटा क्या आएगा, ये डेटा तो फेच करने के लिए मैं क्या करूँगा, सारा डेटा फॉर्म से क्या करूँगा, फेच करूँगा, फेच ऑल फॉर्म डेटा, ठीक है। कैसे फेच करूँगा, सबसे पहले आपको फॉर्म देखना पड़ेगा भाई, अगर फॉर्म नहीं देखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली फॉर्म ओपन करता हूँ, तो फॉर्म होगा आपका रजिस्टर पेज पे, यहाँ पे फॉर्म है आपका, ये देखिए फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले डेटा को सबमिट करने के लिए एक बटन होनी चाहिए, सबमिट, तो देखिए सबमिट बटन है, ये आपके डेटा को सबमिट कर देगी। तो सबसे पहले कहाँ पे सबमिट करेगी, ये चीज़ डिफाइन करेंगे हम एक्शन की हेल्प से, और एक्शन की हेल्प से हम बता देंगे कि भैया जो पूरा फॉर्म होगा वो जाएगा रजिस्टर सबमिट, एक बंदा है जिसका नाम है रजिस्टर सबमिट, तो वो फॉर्म सबमिट सबमिट हो जाएगा रजिस्टर सबमिट पे। सिंपली स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। और हम मेथड में दे देंगे पोस्ट, मेथड में दे देंगे पोस्ट, इसका मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी से डेटा जाएगा, सिक्योरिटी इन द सेंस सिक्योरिटी से डेटा जाएगा, डेटा एक्सपोज नहीं होगा URL बॉक्स में, ज़्यादा डेटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम, ये था नेम फील्ड, तो नेम फील्ड का डेटा फेच करने लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इस फील्ड का नाम दे दूंगा यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और ईमेल को फेच करने के लिए मैं इस फील्ड का नाम दे दूंगा यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, और पासवर्ड को फेच करने के लिए इसका भी एक नाम दे दूंगा नेम, और नेम में दे दूंगा यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से हम सर्वलेट पे अभी डेटा फेच करेंगे। नेक्स्ट आएंगे और इसका नाम तो ऑलरेडी है, देखिए जेंडर जेंडर, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया में नाम देखिए अबाउट लिखा हुआ, परफेक्ट। और उसके बाद चेकबॉक्स का भी एक नाम दे देते हैं, तो देखिए चेकबॉक्स का नाम क्या देंगे भाई, देख लीजिए चेकबॉक्स का नाम, तो आते हैं चेकबॉक्स का नाम देते हैं, चेकबॉक्स का नाम कुछ दे देते हैं भाई, नेम, नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू, और इसका नाम दे देते हैं चेक, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज़ अब आप निकाल सकते हो, यहाँ पे मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आप सपोज़ आपको चेक की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे नेम, और नेम में सिंपली डाल देंगे, देखिए नेम चेक इक्वल टू, और आप रिक्वेस्ट की हेल्प लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे पास कर देंगे उस फील्ड का नाम जिसका डेटा आप निकालना चाह रहे हो। तो हम निकालना चाह रहे थे यहाँ से इस चेक का डेटा, तो हम इसका नाम डाल लेंगे चेक यहाँ पे। जैसे आप चेक डाल दोगे, इस चेक वाले चेक बॉक्स का डेटा वो दे देगा। तो आते हैं उसको प्रिंट करके देखते हैं कि भाई डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे चेक को सिंपली प्रिंट कर देंगे। अपने प्रोजेक्ट को सिंपली रीरन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे डेटा कुछ हम लोग इंसर्ट करेंगे, मेल वेल अबाउट अबाउट एग्री, और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे ईमेल का सिंटेक्स डालना है भाई, तो हम देखते हैं gmail.com और सबमिट कर देते हैं सिंपली। जैसे सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑन आ रहा है, ऑन आ रहा है, इसका मतलब चेक है। और अगर अनचेक करके डेटा देखिए सेलेक्ट करेंगे, इसको अनचेक करके सेलेक्ट करेंगे, उस केस में नल आ रहा है, इसका मतलब अगर नल आया है तो डेटा वहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है। तो आप इफ़ लगा दीजिए, इफ़ देखिए भाई, इफ़ अगर इनकेस चेक की वैल्यू कहीं नल हो गई, इसका मतलब उसने चेकबॉक्स नहीं चेक किया है, एल्स उसने चेकबॉक्स चेक किया है, ठीक है। तो मेन चीज़ बाकी का रेस्ट ऑफ डेटा, तो मैं लिख देता हूँ बाकी का डेटा यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। और अगर ये केस है तो आपको एरर देनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चेक, प्लीज चेक टर्म्स, एंड या ऐसे लिख देते हैं बॉक्स नॉट चेक्ड, ठीक है। और इसको स्पेलिंग को भी सही करते हैं, प्रिंट एलन, दैट मीन्स बॉक्स नहीं चेक होगा तो ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद बाकी का डेटा निकालते हैं, तो सिंपली जैसे इसका डेटा निकाला था, नेम का डेटा निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हम पास कर देंगे सिंपली यहाँ पे नेम, तो हम लिखेंगे परफेक्ट नेम। और उसके बाद फटाफट कर लेते हैं, हम ले लेंगे यहाँ पे नेम, उसके बाद यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, और यूज़र फील्ड का जो वहाँ पे नाम था वो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो देखिए यूज़र फील्ड का क्या नाम था भाई, यूज़र अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, यूज़र अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे
ईमेल कर देंगे। तो जो डेटा यूज़र यूज़र अंडरस्कोर ईमेल वाली नेम वाली फीड से आएगा वो नेम में चला जाएगा, जो डेटा यूज़र अंडरस्कोर ईमेल वाली फीड से आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए करेंगे, तो हम लिख देते हैं पासवर्ड और हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। तो आपका पासवर्ड भी आ जाएगा। आप सोचेंगे मैं डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सिंपली एक लाइन पे आ रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबा दे रहा हूँ और यूज़र पासवर्ड हो गया, तो भाई यूज़र जेंडर भी हो जाएगा, जेंडर यूज़र जेंडर भी हो जाएगा और यहाँ पे हम ले लेंगे जेंडर, ठीक है। एक और बचा अबाउट, तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं अबाउट वाली फील्ड का डेटा क्या नाम था भाई, अबाउट वाली फील्ड का नाम था अबाउट, तो आप सिंपली यहाँ पर अबाउट लिख देंगे, तो इस पूरे को हटा के यहाँ पर लिख देंगे अबाउट और हम इसका इस वाले वेरिएबल का नाम भी अबाउट ले लेंगे। सिंपली सारा डेटा आ चुका है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटाबेस में। तो आपको फिर से यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाना है, इंसर्ट करने का कोड आप लिख चुके हो कहाँ पे, यूज़र डाओ में, कहाँ पे, यूज़र डाओ में, इस वाले यूज़र डाओ का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, यूज़र डाओ का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपली आप अपने रजिस्टर पेज पर यहाँ पर यूज़र डाओ का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, तो मैं लिख दूंगा क्रिएट अ यूज़र डाओ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम आएंगे लिखेंगे यूज़र डाओ और डाओ इज इक्वल टू न्यू यूज़र डाओ सिंपली, और आप इस यूज़र डाओ को पास करना है कनेक्शन। तो भाई कनेक्शन कहाँ से मेरे पास आएगा, कनेक्शन लाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कनेक्शन प्रोवाइडर, ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन। तो सिंपली कनेक्शन इसको चला गया। आप सिंपली डेटा को सेव करने के लिए आप डाओ डॉट डाओ के पास एक फंक्शन मैंने अभी बनाया था डाओ डॉट सेव यूज़र, और आप यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, तो यूज़र ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो पास क्या करोगे, किस यूज़र, ये सारा डेटा यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पास कर सकते हो। तो इस डेटा को पास करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट यूज़र ऑब्जेक्ट एंड सेट ऑल डेटा टू दैट ऑब्जेक्ट। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे यूज़र का और उस यूज़र के ऑब्जेक्ट में इधर का पूरा डेटा उठा के सेट कर देंगे। देखिए कैसे, हम लिखेंगे यूज़र यूज़र सिंपली यूज़र यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सारा डेटा, सबसे पहले नेम पास कर दूँगा इसके कंस्ट्रक्टर में, फिर ईमेल पास कर दूँगा, फिर पासवर्ड पास कर दूँगा, फिर जेंडर पास कर दूँगा और फिर अबाउट पास कर दूँगा, ठीक है। और कुछ पास करना है भाई, ज़रा देखते हैं, चलते हैं यूज़र में, यूज़र में नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर टाइम स्टैम्प भी पास करना है मुझे, तो टाइम स्टैम्प की फील्ड की टेंशन नहीं लेनी है, तो मैं टाइम स्टैम्प को हटा दूंगा यहाँ से, टाइम स्टैम्प को आप यहाँ से हटा दीजिए, परफेक्ट, या नल भी पास कर दीजिएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली आ जाइए सर्वलेट पेज पे और रिफ्रेश करिए, हो गया काम भाई, हो गया काम, इन द सेंस कि यूज़र का जो ऑब्जेक्ट बना उसके पास सारा डेटा चला गया, जो आपने यहाँ से नेम निकाला था वो उस ऑब्जेक्ट में चला गया, इस वाले आपने जो ईमेल निकाला था इसमें आ गया, पासवर्ड निकाला था इसमें आ गया, जेंडर निकाला था इसमें आ गया था, अबाउट निकाला इसमें आ गया, दैट मीन्स इसमें सारा डेटा रखा हुआ है। और सिंपली डाओ का जब मैं सेव ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा तो अपना यूज़र वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दूंगा, ये वाला ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स सारा डेटा इस डाओ के पास चला जाएगा, और अगर डाओ के पास चला गया तो ये फंक्शन चला जाएगा, वो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, वो सारा डेटा डेटाबेस में सिंपली चला जाएगा। तो हम लोग यहां पे आएंगे और ये रिटर्न करेगा हमको बुलियन की वैल्यू, तो हम यहां पे इसको पूरा इफ के अंदर रख देंगे, और अगर इफ के अंदर रखने पे इसने ट्रू दिया दैट मींस डेटा इंसर्ट हो गया, तो यहां अगर सेव हो गया तो ये फंक्शन चलेगा। तो मैं यहां पे सिंपली लिख दूंगा, देखिए सिस्टम डॉट या फिर आउट डॉट प्रिंटलन और लिख देंगे सिंपली डन, डन मतलब हो गया, एल्स में कोई एरर आ जाएगी तो हम लिख देंगे एल्स में, इसका मतलब फॉल्स आया, और फॉल्स आया इसका मतलब आपके यूज़र डाओ में कोई एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ गई, तो मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं लिख देता हूँ एरर, ठीक है, ये काम हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, रजिस्टर करके देखते हैं। तो आप क्या करिए, अपने रजिस्टर पेज को रिफ्रेश करिए और यहाँ पर अपना नाम दीजिए, तो मैं अपना नाम देता हूँ दुर्गेश तिवारी, ठीक है, और यहाँ पर अपनी ईमेल देता हूँ और यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ जेंडर और नाम में डाल देता हूँ जावा प्रो प्रोग्रामर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे आप चेक नहीं करोगे तो देखिए बॉक्स नॉट चेक्ड, इसका मतलब सिंपली नॉट चेक्ड मतलब आपके सर्वलेट का ये वाला इफ चल गया और इसने प्रिंट कर दिया बॉक्स नॉट चेक्ड। अब इसको बॉक्स को चेक करके मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो बॉक्स को मैंने चेक कर दिया और पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ ये सिंपली, और मैं फिर से सबमिट करता हूँ, सब लोग देखेंगे। तो मैं जैसे सबमिट करूँगा सिंपली, तो देखिए एरर आ गई, एरर क्या कह रही है, इस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं, आते हैं अपने यहाँ पर और कंसोल पे, तो विंडो पे जाएंगे और सिंपली आउटपुट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, क्या एरर आई, तो एरर कह रही है जेंडर
कैनॉट बी नल, ठीक है। तो जेंडर में कुछ नल जा रहा है, तो जेंडर में नल जा रहा है, देखते हैं क्या नल जा रहा है भाई, ठीक है। तो जेंडर वाला कॉलम नहीं मिल पाया इसे, सिंपली जेंडर, यूजर जेंडर, तो परफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने देखिए यहाँ पे लिया था, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नेम लिया था जेंडर, नेम लिया था जेंडर, बट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया क्या है, यूज जब फेच किया डेटा तो सर्वलेट पे हम लोगों ने सिर्फ यूज़ किया था जेंडर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंपली जेंडर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर आके यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं। तो वैल्यू में लिख देंगे मेल, ये मेल वाली फील्ड है, अगर चेक होगा ये तो मेल वैल्यू जाएगी, और अगर ये वाला चेक होगा तो फीमेल वैल्यू जाएगी। सिंपली आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद अब आइए और फिर से आप इस फॉर्म को रिफ्रेश करके और फिर से फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे दुर्गेश तिवारी, फिर लिखेंगे और फिर पासवर्ड लिख देंगे अपना, और फिर हम मेल को चेक कर देंगे। मेल को चेक करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ ऐसे ही आई एम जावा प्रो प्रोग्रामर प्रोग्रामर, ठीक है, और आई एग्री को सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए सबमिट है, इसको हम सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे डन आ गया, डन आ गया, इसका मतलब आपका ये चला, कौन सा चला भाई, ये देखिए सर्वलेट का यहाँ पे ये वाला फंक्शन चला, और इसका मतलब ये सही सही चला होगा, ट्रू इसने रिटर्न किया, दैट मीन्स ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब ये सब कुछ सही चला, और इसने ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब इसने ट्रू रिटर्न इस इफ़ ये वाली इफ़ कंडीशन चल गई, इसीलिए डन आया। बाकी आप डेटाबेस चेक करेंगे तो इसको जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक यूज़र आ चुका है, वन दुर्गेश तिवारी, पासवर्ड मेल आई एम जावा प्रो प्रोग्रामर, और सिंपली देखिए यहाँ पर आप अभी की डेट भी आ गई है कि भैया ये कितने बजे रजिस्टर हुआ, 9:21 और 21:52, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिंपली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट मैसेज अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको Ajax बेस इंप्लीमेंटेशन करूँगा। Ajax बेस इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे हम इस पेज पे यहाँ सबमिट करेंगे यहीं पे हमें मैसेज आ जाएगा डन, और जैसे डन होगा तो ये सिंपली लॉगिन पेज पे हमें ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको Ajax बेस इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो 5 मिनट मुश्किल से और लगेगा, तो इतनी ज़्यादा इतनी लंबी वीडियो हो गई, तो थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको Ajax बेस इंप्लीमेंटेशन में करने के लिए सिंपली आ जाते हैं अपने रजिस्टर पेज में, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर वाला पेज है, और सिंपली यहाँ पे एक अपनी लगाएंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। तो बस सब लोग देखते जाइए, हम लोग लगाएंगे अपनी स्क्रिप्ट। तो हमारी स्क्रिप्ट रेडी है, और हमारी स्क्रिप्ट रेडी है, आप इस स्क्रिप्ट के अंदर आ जाइए, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अंदर आप लगाइए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जैसे डॉक्यूमेंट रेडी होगा आपका सिंपली ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल बैक फंक्शन। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर एक सिंपली आप फंक्शन लिख दोगे, जैसे डॉक्यूमेंट रेडी होगा ये फंक्शन चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में एक मैसेज दे देता हूँ, लोडेड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म का एक नाम दे देते हैं सिंपली, या इसकी आईडी दे देते हैं। तो फॉर्म कहाँ गया भाई, ये रहा फॉर्म, इसकी एक आईडी दे देते हैं, तो हम लिखते हैं आईडी और लिखते हैं रेज डैश फॉर्म, और आते हैं नीचे इस आईडी के थ्रू इसको पकड़ते हैं। तो हम लोग जेक्वेरी यूज़ करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आईडी से पकड़ने के लिए आप लगाओगे हैज़ और लिखोगे रेज फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर लिख दोगे ऑन के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इवेंट देना है। तो मैं कहूँगा जैसे ही सबमिट होगा, ठीक है, तो आपको डबल कोट्स में लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और फिर आपको कॉमा लगाना है, और आपको एक फंक्शन और कॉल करना है, और ये ले लेगा एक पैरामीटर ये फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर्म देखिए, जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा, ऑन सबमिट, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ सेमी कॉलन लगाइए यहाँ, दैट मीन्स जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ वाली चीज़ चल जाएगी, और यहाँ वाली चीज़ चल जाएगी तो हम अपने सर्वलेट पेज पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रोक देंगे। तो हम लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, तो ये सर्वलेट पे नहीं जाएगा, ठीक है, सर्वलेट पे नहीं जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहीं से पूरा डेटा सबमिट कर देंगे सर्वलेट पे, ठीक है। कैसे सबमिट करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट में हम लिखेंगे फॉर्म, पूरा फॉर्म, और हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू फॉर्म डेटा, और हम चाहते हैं कि भाई पूरा फॉर्म का जो डेटा है वो इसमें आ जाए। तो सिंपली आप यहाँ पर दिस लिख दीजिए, दिस मतलब ये फॉर्म, तो होगा क्या, इस फॉर्म का पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये फॉर्म हमें भेजना है, अपने सेंड करना है अपने रजिस्टर सर्वलेट पे, कहाँ करना है, रजिस्टर सर्वलेट पे करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे सेंड करने के लिए Ajax फंक्शन, तो आप लिखेंगे $Ajax, ठीक है, Ajax, बहुत ध्यान से, और यहाँ पे आप लगाएंगे
ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाने के लिए सिंपली देखिए ये वाला ब्रैकेट ओपन करें, क्लोज करें, जैसे मैंने किया है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ एक बार, आप लगाएंगे डॉलर डॉट अजैक्स और आप सिंपली ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर क्लोज कर देंगे, सिंपल हो गया भाई। अब आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर है URL, तो हम URL लिख देंगे अपने रजिस्टर सर्वलेट का, किस पे डेटा सबमिट करना है तो हम लिखेंगे रजिस्टर सर्वलेट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है टाइप टाइप टाइप, और टाइप में मैंने पोस्ट, ठीक है। और हर एक चीज़ के बाद देखिए सेपरेट होगा सेमी कॉमा से, तो आप पहली की वैल्यू लिखिए कॉमा लगा के, दूसरा की वैल्यू, ठीक है, फिर कॉमा लगा के डेटा लिखिए, और डेटा में मुझे देना है एफ मतलब फॉर्म, ठीक है, ये वाला फॉर्म पूरा भेजना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सक्सेस, जैसे ही सक्सेस हो जाएगा दैट मीन्स ये वाला आपका चल जाएगा, और इन केस अगर कोई एरर आ जाती है तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर सक्सेस होगा तो ये मैसेज चलेगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log और अपना डेटा यहाँ पे लॉक कर दूंगा। और अगर इन केस एरर आती है तो उस केस में भी मैं क्या करूँगा console.log और यहाँ पे ये वाला कोड में लॉक कर दूंगा। इन केस दो चीज़ आपको और बतानी होगी, दो चीज़ में आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि भाई आपका जो प्रोसेस डेटा है वो आपको प्रोसेस नहीं करना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डेटा और इसको फॉल्स कर देंगे, और आपका कंटेंट टाइप को भी फॉल्स कर दीजिए। आप बताइए मत कि आप क्या कंटेंट टाइप यूज़ करने वाले हो सिंपली, तो आप दोनों चीज़ को ये इंपॉर्टेंट है ये फॉल्स कर दीजिएगा सिंपली। अब आपका जैसे ही आप सबमिट करोगे ये डेटा चला जाएगा कहाँ पे, सर्वलेट पे, और वहाँ से रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली क्या करिए पेज को अपने रिफ्रेश कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि भाई डॉक्यूमेंट लोड हुआ कि नहीं। तो आप कंसोल ओपन करिए, कंसोल कैसे ओपन करेंगे, सिंपली पेज पे कहीं भी राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और सिंपली कंसोल पे जाइए। और अगर आपके कंसोल पे कुछ ऐसा मैसेज दिख रहा है, देखिए कैसा मैसेज लोडेड, दैट मीन्स आपका ये वाला फंक्शन चल चुका है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, लोडेड। अब ये सब कब चलेगा, जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे, तो चलिए भाई सबमिट करते हैं। तो इस बार मैं डाल देता हूँ कुछ वंदना तिवारी, और आईडी में डाल लेता हूँ वंदना तिवारी @gmail.com, पासवर्ड में डाल देता हूँ ABC, और इसमें डाल देता हूँ फीमेल, और लिख देता हूँ यहाँ पे हाय आई एम डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है, और एग्री करके जैसे सबमिट करूँगा देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा सर्वर पे जाएगा, सर्वर चलेगा और कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। तो सबमिट मैं करता हूँ, जैसे सबमिट करूँगा ये बता रहा है बॉक्स नॉट चेक्ड, ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ सिंपली, ये बता रहा है बॉक्स नॉट चेक्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर आ गई देख। तो फ्रेंड सिंपली यहाँ हमारा सर्वर तक डेटा नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ तो चेक बॉक्स का डेटा सबसे पहले निकाल रहा है सर्वलेट और यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सिंपली देखिए, हम लोग ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट टाइप फॉल्स कर दिया है, तो यूज़र तो हमारे सर्वलेट को नहीं पता चल पा रहा है कि इस सर्वलेट में जो डेटा आ रहा है वो कंटेंट टाइप उसका क्या है, दैट मीन्स वो किस टाइप का डेटा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद इमेज भी आ रही होगी या फिर कोई लास्ट डेटा आ रहा है, तो इमेज और लास्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एनोटेशन यूज़ करेंगे, हम लेंगे @multiconfig, ठीक है, तो आप MUL लिखिए और multiconfig सिंपली सेव कर दीजिए। जैसे आप multiconfig यहां एनोटेशन लगा दोगे, अब आपका डेटा सारा एक्सेप्ट हो जाएगा, सर्वर क्या करेगा सारा डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो इमेज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी डेटा को रिफ्रेश नहीं करना, सिंपली आप सबमिट करिए, जैसे आप सबमिट करोगे सिंपली यहां पे देखिए डन आउटपुट आ जाएगा, और डन आउटपुट आएगा। अगर मैं डेटाबेस में क्या करता हूं सिंपली रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पे देखिए आपका डेटा पहुंच चुका है। इसका मतलब आप सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर कुछ भी नाम डालें तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर का देखिए कंटेंट टाइप जो भी ये सब आ रहा है HTML, ये सब हटा देता हूं सर्वलेट से। तो सिंपली मैं क्या करता हूं, ये देखिए ये सब मैं सिंपली यहां से हटा देता हूं, सिर्फ मैं अपना क्या रखूंगा, डन वाला मैसेज, क्या रखूंगा, सिर्फ डन वाला मैसेज रखूंगा। इस केस में अगर मैं नाम चेंज करता हूं, लेट अस सपोज मैं क्या करता हूं यहां पे रख देता हूं नाम में रोशनी तिवारी, और मैं सिंपली क्या करता हूँ सबमिट, तो उस केस में देखिए डन आउटपुट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे रोशनी तिवारी भी पहुँच गया। और यहाँ पे देखिए दो ईमेल आईडी से साइन अप हो जा रहा है, तो इस बग को भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं, इसको हम यूनिक बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम परफेक्टली हो रहा है, बट यूज़र तो ऐसे देखेगा, यहाँ पे यूज़र को क्या पता चल रहा है कि सारा काम हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र को भी कुछ मैसेज दिखाते हैं, और मैसेज दिखाने के लिए मैं कुछ यूज़ करूँगा, देखिए कैसे, हम आ जाएंगे अपने यहाँ पे और गूगल पे और टाइप करेंगे फॉन्ट ऑसम सिंपली, और आप यहाँ पे
फॉन्ट ऑसम में आप यूज़ करिएगा रिफ्रेश, ठीक है, आप एक आइकन यूज़ करिएगा रिफ्रेश, तो मैं लिखता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, ये वाला आइकन ले लेते हैं हम लोग। इस आइकन को सिंपली कॉपी कर लेते हैं और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने रजिस्टर पेज में, ठीक है। और रजिस्टर पेज में जहाँ पे बटन है वहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो बटन कहाँ पे भाई, ये हमारा सबमिट बटन है, इसी के जस्ट ऊपर आप लिखिए स्पैन स्पैन, और स्पैन में लिखिए क्लास, और क्लास में सिंपली इसको पेस्ट कर दीजिए। और अगर आप अभी रिफ्रेश कर देते हो तो आपका देखिएगा आ गया, इसको घुमाने के लिए स्पिन कराने के लिए आप यहाँ पे एक एफ ए स्पिन और लगा दीजिए, एफ ए स्पिन, और सिंपली क्या करिए रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये देखिए घूमने लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे एफ ए और इसको 3x या 4x पे सेव कर दीजिए, और जैसे ही आप सेव करोगे और अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो देखिएगा ये 4x पे चलने लगेगा, परफेक्ट है। और हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम लोग एक BR लगा देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो आपके बटन नीचे आ जाएगी। बट इस स्पैन को आप क्या करिए किसी डिफ के अंदर दीजिए, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली बनाता हूँ डिफ क्लास कंटेनर, और इस स्पैन को मैं रख देता हूँ अपने कंटेनर के अंदर, ठीक है, कंटेनर के अंदर। अब हमारा देखते हैं, परफेक्ट। और इसको सेंटर पे करने के लिए यहाँ पे लगाइए टेक्स्ट सेंटर, रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है, तो परफेक्ट सेंटर पे हो गया। और आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ही H4 और लिख देता हूँ प्लीज़ वेट, ठीक है, तो आपका प्लीज़ वेट भी लिखा रहेगा सेंटर पे, देखिए प्लीज़ वेट। बट आपको इसे हाइड करना है सिंपली, तो इनिशियली इसे हाइड करना है, तो इस इनिशियली हाइड करने के लिए सिंपली क्या करिए इसकी एक आईडी दे दीजिए, तो हम कहते हैं इसको लोडर, और इसमें लगा देते हैं देखिए स्टाइल, और लिख देंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे लिख देंगे नन, ठीक है, डिस्प्ले नन। तो इनिशियली ये शो नहीं होगा, देखिए इनिशियली ये शो नहीं होगा, और हम लोग क्या करेंगे इस बटन की भी एक आईडी दे देंगे, हम लिख देंगे सबमिट बटन, सबमिट BTN, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे हम लोडर को शो कर देंगे, सबमिट को देखें इसको हाइड कर देंगे, तो सिंपली आ जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट में नीचे, और जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला फंक्शन चलेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंड करने से पहले, रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करने से पहले मैं क्या करूँगा, देखिए मैं पकड़ूँगा अपने सबमिट बटन को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबमिट बटन डॉट हाइड, हाइड हो जाएगी सबमिट बटन। और उसके बाद मैं लोडर पकड़ूंगा, तो यहाँ पे लिखूँगा लोडर डॉट शो, आपका लोडर शो हो जाएगा, ठीक है। और इसका जस्ट रिवर्स कर दूंगा, जैसे ही देखिए जैसे ही क्या करूँगा, जैसे ही कोई मैसेज आएगा, देखिए सक्सेस जैसे ही डन होगा, तो मैं क्या करूँगा सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है, या फिर आप क्या कर सकते हो मैसेज दिखा सकते हो, तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले तो आप लोडर को हाइड कर दीजिए, लोडर को हाइड कर दीजिए, तो बटन को आप शो कर दीजिए और लोडर को क्या कर दीजिए हाइड कर दीजिए। यही काम अगर कोई एरर आ जाती है उस केस में भी कर दीजिए, एरर आ जाती है उस केस में भी कर दीजिए। तो सिंपली देखिए रिफ्रेश करिए, और कोई और रजिस्ट्रेशन आप करिए तो सुबी को ले लीजिए, यहाँ पे subi@gmail.com, पासवर्ड में ABC ले लीजिए, जेंडर फीमेल ले लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए नथिंग, और फिर एग्री करिए और सबमिट करिए, परफेक्ट सबमिट हुआ था, लोडर दिखा था और आपके डेटाबेस में डेटा आ चुका होगा, दैट मीन सबमिट हो गया सुबह, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सक्सेस पे क्या करना है, सक्सेस पे अगर सक्सेस हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है डन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि मैसेज दिखाने के लिए सिंपली हम लोग स्वीट अलर्ट यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं स्वीट अलर्ट यूज़ कर लेते हैं, तो गूगल पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट CDN, ठीक है, स्वीट अलर्ट CDN। और हम लोग सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, और हम एक गाइड भी ओपन कर लेंगे, देखिए गाइड स्वीट अलर्ट .js गाइड ओपन कर लेंगे, और ये तो हमारा CDN है और ये हमारी गाइड है, इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग इस CDN को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने जे जावास्क्रिप्ट ऊपर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर लगाने के बाद हम क्या सिंपली कर लेंगे, लगाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में लिख देंगे हम लोग यहाँ आ जाएंगे SRC, और SRC में हम लोग अपने उस चीज़
अपनी ई वायरल को कॉपी कर लेंगे जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया था, उसको सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये फंक्शन यूज़ कर लीजिए कहाँ पे, अगर सक्सेस हो रहा है उस केस में। ठीक है, सक्सेस हो रहा है उस केस में तो देखते हैं क्या होता है। भाई मैंने सिंपली वहाँ से कॉपी कर लिया था, यहाँ से पेस्ट कर लिया था स्वीट अलर्ट। देखते हैं आके एक किसी को और रजिस्टर करते हैं। तो सिंपली मैं सबमिट करता हूँ, जैसे सबमिट करूँगा कुछ हुआ नहीं, एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ अपने कोड को। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ ट्राई करता हूँ john@abc.gmail.com और यहाँ पे abc और यहाँ दे देता हूँ मेल, यहाँ लिख देता हूँ nothing और यहाँ एग्री पे चेक करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। सिंपली देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज, ओके करेंगे रिटर्न वैल्यू आ गई, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सक्सेस या फिर लिख दीजिए डन, यहाँ पे लिख दीजिए क्या डन या रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली और लिख देते हैं यहाँ वी आर रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करना है और लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करने के लिए आप लिखोगे विंडो ऑब्जेक्ट विंडो डॉट लोकेशन और लोकेशन के बाद सिंपली आप यहाँ पे लोकेशन दे दोगे, लोकेशन में आप लॉगिन अंडरस्कोर पेज डॉट जेएसपी दे दोगे, ये लॉगिन डॉट जेएसपी पे आपको ले जाएगा सिंपली। और इनकेस अगर एरर आती है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे एरर दिखा दोगे। कौन सी एरर दिखा दोगे भाई, देखेंगे अगर सिंपली एरर आती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ एरर दिखा दोगे। तो मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन और इस प्रॉमिस को आप हटा दीजिए, डोंट वांट प्रॉमिस। और यहाँ पे एक एरर और आ सकती है, तो आप डेटा को चेक कर लीजिए। सिंपली आप क्या करिए, डेटा को चेक कर लीजिए। तो डेटा को भाई कैसे चेक करेंगे, और ठीक है अगर इन केस एरर आ गई तो आपको लोडर हाइड करना होगा, तो आप सिंपली क्या करिए इस वाले बटन को यहाँ भी रख दीजिए और आप इस डेटा को चेक कर लीजिए। इफ़ अगर डेटा डॉट ट्रिम, अगर डेटा को ट्रिम करने के बाद डबल इक्वल टू डेटा या डन है, उस केस में आप डन दिखाओगे। ठीक है, उस केस में आप डन दिखाओगे, अदरवाइज आप डेटा की वैल्यू दिखा दोगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, एल्स लिखिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप डेटा की वैल्यू दिखा दोगे। ठीक है, तो जब अगर डन आएगा तभी ये चीज़ दिखेगी यहाँ पे सक्सेसफुली, अगर डन नहीं आएगा तो डेटा जो वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो दिख जाए। सिंपली अब आते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कोई और नाम रजिस्टर करते हैं। तो हम लिखते हैं पीटर और लिख देते हैं peter@gmail.com, लिख देते हैं abc और यहाँ पे जेंडर लिख देते हैं मेल और यहाँ पे लिख देते हैं गुड और एग्री पे, पहले एग्री को हटा के सबमिट करते हैं। तो देखिए बॉक्स नॉट चेक्ड, ठीक है, या यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं प्लीज़ चेक्ड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सर्वर से मैसेज आ रहा है और अगर एग्री करोगे तो देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली वी आर रिडायरेक्टिंग टू लॉग इन पेज। ठीक है, जैसे ओके करोगे तो सिंपली आपका लॉग इन पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्पेलिंग मैंने कई जगह गलत किया, इसको सही कर देते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीडायरेक्ट टू वी का डब्लू कैपिटल कर देते हैं और रजिस्टर्ड का आर भी कैपिटल कर देते हैं। रजिस्टर सक्सेसफुली वी आर गोइंग टू रीडायरेक्ट टू लॉग इन पेज, सिंपली लॉग इन पेज पे आ जाएगा। और गलती कहाँ की थी मैंने, यहाँ पे प्लेस होल्डर में कहीं गलत किया था। ठीक है, तो एड्रेस के प्लेस होल्डर अबाउट के प्लेस होल्डर में गलत था योर सेल्फ की स्पेलिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे योर सेल्फ ठीक है योर सेल्फ। और मैंने एक जगह नेबार में भी गलत किया था स्पेलिंग। ठीक है, यहाँ पे लर्न कोड भी दुर्गेश की स्पेलिंग गलत है, तो आप आ जाइए अपने नैब बार में। तो नैब बार कहाँ है, प्रोजेक्ट में, नैब बार में और लर्न कोड विद दुर्गेश कहाँ पे लिखा था भाई, यहाँ पे आप durgsh ठीक है सिंपली कर दीजिए और स्पेलिंग परफेक्ट। तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। आप क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सिंपली आप साइनअप पे क्लिक करिए, साइनअप पे जाएंगे, लेट अस सपोज मुझे रजिस्टर करना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लर्न कोड विद दुर्गेश और नाम देते हैं लर्न
info@gmail.com पासवर्ड लर, और मेल पे चेक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं चैनल अबाउट लर्निंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसको एग्री, अगर एग्री नहीं करोगे तो आपको मैसेज दिखेगा, और इफ़ अगर आप एग्री करके करोगे, देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली, वी आर गोइंग टू रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, ओके क्लिक करोगे सिंपली रिडायरेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ से लॉगिन कर पाओगे। तो अभी लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने साइनअप मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया और पूरा जावा का कोड लिखा था, और परफेक्ट तरीका है ये रजिस्टर कराने का एसिंक्रोनस की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगा, आपको सारा कोड दे दूँगा, आप रजिस्टर, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था यूज़र पे, पहले मैंने डेटाबेस बनाया था इस वीडियो में, उसके बाद यूज़र पेज मैंने कोड किया था, और उसके बाद मैंने कोड किया था यूज़र डाओ वाला पेज, और उसके बाद मैंने कोड किया था रजिस्टर पेज पे, और फिर ये जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, बट फिर भी जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप क्या करेंगे, करते जाएंगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद मैंने लगाया था यहाँ पे देखिए स्वीट अलर्ट, तो स्वीट अलर्ट लगाने के लिए मैं गया था, देखिए आपको टाइप करना है स्वीट अलर्ट CDN, और पहला जो वेबसाइट ओपन होगी स्वीट अलर्ट CDN.com या CDNJS.com, यहाँ से आप कॉपी कर लोगे ये वाली लिंक, और इसको स्क्रिप्ट टैग में ला के यहाँ पर रख दोगे जैसे मैंने रखा था ये टैग, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा सोर्स कोड आपको प्रोवाइड भी कर दूँ, और डिस्क्रिप्शन चेक करेगा मे भी उसमें सोर्स कोड हो, सिंपली आप कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो, हाँ एक चीज़ मैं आपको और अच्छा, और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से सीखनी है, अच्छे से करनी है, जैसे हम लोग इतना परफेक्शन से चीज़ें कर रहे हैं, एकदम कूल थिंग्स लग रही हैं, ऐसा वीडियोस आपको शायद मुश्किल से ही मिले जो इतना परफेक्टली चीज़ों को बताएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो टाइम तो लगेगा लगेगा, हमारी देखिए वीडियोज़ 40 मिनट की होती हैं, 30 मिनट की होती हैं, 1 घंटे की होती हैं, इसका मतलब अगर आप चीज़ों को सही से करोगे तो टाइम टेकिंग होंगी होंगी। हम लोगों ने 4 चीज़ें बनाई इस वाले वीडियो में, हम लोगों ने डेटाबेस की टेबल भी बनाई, हम लोगों ने डाओ भी बनाया, एंटिटी भी बनाई, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अजैक्स भी यूज़ किया, ठीक है। तो आप चीज़ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगी होगी, कठिन होगी होगी, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें आसान होती जाएंगी, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगिन का पूरा मॉड्यूल लेके आएंगे नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।